इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम के चिरांग में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, घुसपैठ और बदरुद्दीन अजमल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह का राहुल पर निशाना, कहा अजमल के कंधे पर बैठकर आए हैं राहुल, अजमल को बताते हैं असम की पहचान। अमित शाह ने कहा अजमल को नहीं बनने देंगे असम की पहचान। पूछा असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल या भूपेन हजारिका। अमित शाह ने कहा कान खोलकर सुन ले अजमल, असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देगी बीजेपी। असम की कामरूप की रैली में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा मैं झूठ बोलने नहीं आया, मेरा नाम मोदी नहीं। राहुल गांधी ने कहा 24 घंटे झूठ बोलते हैं पीएम मोदी, सच्चाई सुननी है तो हमारी बात सुनो। राहुल ने सीएए को असम पर आक्रमण करार दिया, असम के इतिहास, भाषा और भाईचारे पर आक्रमण, असम में लागू नहीं होने देंगे सीएए। असम में प्रचार के पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, देवों का लिया आशीर्वाद। पूजा के बाद राहुल ने कहा हम बीजेपी की तरह नहीं, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक में कर्ज माफी का वादा पूरा किया। असम में चुनावी वादे पूरे होने पर गारंटी के सवाल पर बोले राहुल, कहा कांग्रेस ने 5 गारंटीज दी, चुनाव जीते तो पूरा करेंगे। बंगाल हुगली में जेपी नड्डा की जनसभा, कहा गोत्र बताकर ममता को नहीं मिलेंगे वोट, बंगाल की जनता बीजेपी के साथ। नड्डा ने पूछा ममता ने पहले क्यों नहीं किया चंडी पाठ, बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन, सरस्वती पूजा पर लगी है रोक। नड्डा ने फिर उठाया बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा, बोले अब कोर्ट का फैसला आने के बाद ममता राजनीति कब छोड़ेंगी। नड्डा ने ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा माँ माटी मानुष कहने वाले लोग सिर्फ तोलाबाजी कर रहे हैं, बंगाल को तोलाबाजी कटमनी से मुक्त कराना है। रैली के बाद नड्डा ने बंगाल के पुरपुरा में किया रोड शो, सड़क पर लगा बीजेपी समर्थकों का जमावड़ा। ममता के गोत्र वाले बयान पर मचा घमासान, असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा मेरे जैसे लोगों का क्या होगा, हम ना तो शांडिल्य हैं और ना जनेऊधारी। ओवैसी ने कहा सभी पार्टियों में खुद को हिंदू साबित करने की मची है होड़, अपमानजनक करार दिया, कहा इससे नहीं मिलेगी कामयाबी। ममता ने कल नंदीग्राम में खेला धार्मिक कार्ड, चुनाव प्रचार के दौरान गोत्र पूछे जाने की कहानी सुनाई। ममता ने त्रिपुरा की त्रिपुरेश्वरी मंदिर में जाने का किया जिक्र, कहा माँ माटी मानुष मेरा गोत्र, निजी गोत्र शांडिल्य भी बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा चुनाव हारने के डर से ममता बता रही है गोत्र, रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं। गोत्र वाले बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ममता पर हमला, कहा 10 साल तक क्यों नहीं याद आई गोत्र की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के वोटिंग की तैयारियां जारी, नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वोटिंग से पहले नंदीग्राम में कड़ी सुरक्षा धारा 144 लागू, चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर फेयर सर्विलांस शुरू की। नंदीग्राम में वोटिंग के दिन केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां होंगी तैनात, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। दूसरे दौर को वोटिंग से पहले ममता का बड़ा दावा, कहा मेरे पास नंदीग्राम में कार पर हमला करने वालों के फोटो और वीडियो, चुनाव बाद लूंगी एक्शन। ममता ने बीजेपी को कहा बेशर्म, हुगली के गोघाट में रेलवे प्रोजेक्ट लाने का किया दावा, कहा अब बीजेपी कर रही है उद्घाटन। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को मिले वाई प्लस सिक्योरिटी, कल पूर्वी मेदिनापुर में प्रचार के दौरान हुआ था हमला। कोयम्बटूर में पहुंचे मुंडी विनयगर मंदिर, प्रचार के दौरान वक्त निकाल कर किया भगवान का दर्शन, मंदिर में दर्शन के बाद निकला योगी आदित्यनाथ का रोड शो। यूपी के सीएम योगी की तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रैली, सर्जिकल स्ट्राइक का किया जिक्र, कहा तमिलनाडु के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। योगी ने कहा तमिलनाडु की मातृशक्ति को सम्मान देने की परंपरा, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसे शासन करने का हक नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऊटी के उडागमंडलम के में रोड शो किया, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने हैं चुनाव। रामेश्वरम में डीएम के सांसद कनिमोई का रोड शो, विश्वास से भरी नजर आई कनिमोई। डीएम के नेता ए राजा को चुनाव आयोग का नोटिस, सीएम पलानीस्वामी पर भी की गई टिप्पणी पर आज शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा। बीजेपी के कैंपेन वीडियो में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि चिदम्बरम की लगी तस्वीर, खुलासा होने के बाद ट्विटर से हटाना पड़ा ये वीडियो। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा तमिलनाडु की AIADM की सरकार पीएम मोदी की टूल किट। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में CPI नेता जी राजा ने किया रामचंद्र के लिए प्रचार, थाली विधानसभा क्षेत्र से CPI के उम्मीदवार हैं रामचंद्र। केरल के त्रिशूर में प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा केरल की हालत देखकर मेरे जैसे लोगों को केरल के बाहर जो है उन्हें गुस्सा आता है। प्रियंका ने LGF सरकार पर किया हमला, कहा LGF ने 20 लाख नौकरी देने का झूठा वादा किया, चुनाव जीतते ही सरकार में अपने लोगों को भरा। प्रियंका ने जनसभा में छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए उठाई आवाज, कहा कभी नोटबंदी तो कभी GST की बड़ी मार,
केरल के पूर्व सांसद जॉयफ जॉर्ज ने राहुल के खिलाफ दिए बयान पर मांगी माफी। कहा था केवल लड़कियों के कॉलेज ही क्यों जाते हैं राहुल। केरल के कोंडोटी सीट से एलडीएफ उम्मीदवार सुलेमान हाजी का वादा, कहा जीते तो वोटर्स को अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप दिखाने के लिए कतर ले जाएंगे। केरल के कुरुची में सीपीएम का रोड शो, ढोल नगाड़ों और कटआउट के साथ निकाली रैली। केरल में लव जिहाद पर बोले बीजेपी चीफ के सुंदरन, कहा सिर्फ बीजेपी और हिंदू नहीं ईसाई भी लव जिहाद गंभीर मुद्दा मानते हैं। केरल से सबसे कम उम्र की कांग्रेस उम्मीदवार अरिथा बाबू कायाकुलम की सीट पर प्रचार में जुटी। अरिथा बाबू के लिए प्रियंका ने किया था प्रचार। तमिलनाडु के चुनावी दंगल में उतरी फिल्म स्टार नमिता रामेश्वरम ने बीजेपी के लिए किया रोड शो। पीएम मोदी के अटैक के बाद बैकफुट पर पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायण स्वामी का, मुख्यमंत्री का ऑफर मिला तो करेंगे इनकार। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने कल नारायण स्वामी पर बोला था हमला, कहा नारायण स्वामी सरकार आपदा थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।